हेलो। तो दोस्तों, मधुबनी स्टडी सेंटर में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया अपडेट के साथ आप लोग के बीच आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो कांस्टेबल से लेकर के डीएसपी तक का बहाली आप लोग को बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम इससे रिलेटेड जो भी है एक पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग के बीच हर एक अपडेट शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो अपडेट देख रहे हैं अभी डिस्प्ले पे जो शो हो रहा कि बिहार में जो है कांस्टेबल से लेकर के डीएसपी तक वैकेंसी जो है रिलीज करने वाले हैं। तो एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम आप लोग को जो है ये सारा चीज बता देंगे। इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाला है ये तो अभी हम क्लियर कर देंगे कि 10,332 पोस्ट इसमें जो है 10,332 टोटल पोस्ट इसमें पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो किस किस विभाग में कितना कितना पोस्ट है, कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, ये सारा चीज़ अभी हम एक पेपर कटिंग के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होकर के रह सकते हैं, जो कि आपको मधुबनी स्टडी सेंटर के नाम से मिल जाएगा, मधुबनी स्टडी सेंटर। मधुबनी स्टडी सेंटर के नाम से आप लोग टेलीग्राम पे सर्च मार के वहां से भी ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। तो बढ़ते इस पेपर कटिंग को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो अभी आप लोग के बीच शेयर करेंगे। टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के रहिए, वहाँ से भी आप लोग को हर एक अपडेट आप लोग को पल पल का खबर मिलता रहता है। तो यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए 10,332 पद की स्वीकृति मिल चुकी है। तो टोटल पोस्ट अभी आप लोग को इसमें देखने को मिल रहा कि 10,332 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहा। तो 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 415 पोस्ट है और पेट्रोलिंग के लिए 1560 पोस्ट है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि 28 जिले में यातायात थाना के लिए जो है 4215 पोस्ट देखने को मिल रहा और पेट्रोलिंग के लिए जो है 1560 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहा है, बल बहाल होंगे। तो इससे आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया। हिंदुस्तान ब्यूरो बिहार पटना में यातायात व्यवस्था की पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए 10,332 पद की स्वीकृति दी गई है। तो सबसे पहले कितना टोटल पोस्ट है ये पता चल गया, 10,332 पोस्ट। इसमें सिपाही से लेकर के डीएसपी तक के पद शामिल है। तो सिपाही से लेकर के डीएसपी तक के पद इसमें शामिल है, सिपाही से लेकर के डीएसपी तक के जो है इसमें पद शामिल होने वाले हैं। वर्तमान में ट्रैफिक के लिए पटना समेत 12 जिलों में स्वीकृत पद की संख्या करीब 4,500 है। तो वर्तमान में जो स्वीकृति पद का जो पदों की संख्या है करीब 4,500 समथिंग है। यातायात व्यवस्था की शुरुआत को समझते हुए इसमें करीब 2.5 गुना पदों की बढ़ोतरी की गई है। तो ये जो पद स्वीकृत हुए हैं इनमें जो है करीब 2.5 गुना पद बढ़ोतरी और कर दिए गए हैं। यह जानकारी डीजीपी यातायात सुधांशु कुमार ने पुलिस मुख्यालय सदर पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी किए गए पद के अनुरूप बल जल्द ही मिल जाएंगे। वर्तमान में 21,000 पद पर सिपाही बहाल की जो परीक्षा चल रही है इसका परिणाम आने के बाद ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त बल मिल सकेंगे। सभी जिलों में करीब 30% रिक्त है जो सिपाही बहाली के बाद काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो सिपाही बहाली का जो काफ़ी हद तक ये बोल भी रहे कि बढ़ जाएंगे। डीजीपी ने बताया कि स्वीकृत पद में 28 जिलों में यातायात थानों को भी सुचारू तरीके से चलाने के लिए 4,215 और हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 1,560 यातायात बल चाहिए। तो 1,560 जो पेट्रोलिंग के लिए चाहिए इनको, और इससे पहले जो है सुचारू तरीके से चलाने के लिए 4,215 पद चाहिए इनको। तो मतलब जो है एक एक पोस्ट के बारे में जो बता रहे हैं कि स्वीकृति दी गई है।
तो इतने पद का जो स्वीकृति मिल चुका है। पटना में अभी ट्रैफिक पुलिस की क्षमता 850 थी, जो नई स्वीकृति के बाद 2600 हो गई। तो नई स्वीकृति के बाद पटना में 2600 पद हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद यह आंकड़ा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND के मानकों के अनुरूप हो गई है। यातायात बल की उपलब्धता के आधार पर जिलों में यातायात बल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देख लिए, इसमें जो है बहुत सारा पोस्ट है। DGP यातायात ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी है। मौजूदा ट्रैफिक बल की क्षमता से करीब 2.5 गुना पद की बढ़ोतरी की गई है। तो ट्रैफिक पुलिस का भी जो पद इसमें अच्छा खासा बढ़ चुका है। 21,000 पद पर सिपाही बहाली की परीक्षा भी वर्तमान में अभी जो चल रही है। इसके बाद जो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ट्रैफिक पुलिस को 553 बॉडी वैन कैमरे मिले। तो ट्रैफिक पुलिस को जो है 553 बॉडी वन कैमरा जो है मिल चुका है। ट्रैफिक पुलिस को कैमरे दिए गए हैं। इसमें करीब 500 कैमरा सिर्फ पटना जिले में दिए गए। वहाँ सिर्फ 500 कैमरा पटना जिले को मिला है। इनका प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए जल्द ही SOP जारी होगी। इसे यातायात गतिविधियाँ पर नजर रखने के साथ ही पारदर्शिता के साथ कार्रवाई हो रही है। ये कैमरा पुलिसकर्मी की वर्दी पर लगे होते हैं। इसमें हर गतिविधि रिकॉर्ड होती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस के स्तर से की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों से मिलने वाली शिकायत को कम करना। तो बहुत ही जल्द आपको इसमें बहुत सारा पोस्ट में वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि इस लाइन में जाना चाहते हैं, ट्रैफिक पुलिस हो या तो थाने से रिलेटेड हो या तो पेट्रोलिंग से रिलेटेड हो, सिपाही हो, सिपाही से लेकर के DGP तक के इसमें पोस्ट रहने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द ये पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम इसी चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट देंगे। बने रहिए।